वीडियो देखने वालों, आज हम हैं हरिनगर। जी हाँ, हरिनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने नया एक फूड हब खुला है, नवाबगंज है जिसका नाम। चलिए दिखाते हैं ये जगह और यहाँ क्या क्या मिलता है, सब दिखाएंगे। नवाबगंज के सामने है हरिनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल रोड क्रॉस करके सामने हरिनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और नवाबगंज की दूसरी दीवार बिल्कुल सिग्नेचर ग्रैंड यहाँ पे जो होटल है हरिनगर में उसके साथ लगता है और दीनदयाल हॉस्पिटल कुछ कदमों की दूरी भी है। यहाँ आना बहुत आसान है, गूगल मैप लोकेशन एड्रेस कॉन्टैक्ट सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब अंदर चलते हैं। और ये है इनका ओपन एयर, पेड़ों के नीचे एक बढ़िया सी शानदार सिटिंग स्पेस जहां आप अपनी फैमिली, अपने यारों दोस्तों के साथ या अपने स्पेशल पार्टनर के साथ बढ़िया फूड एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे आउटलेट्स खुल रहे हैं और कुछ थोड़े दिनों में और खुल जाएंगे, लेकिन जो हम आज कवर करने आए हैं वो है मगजमारी। जी हाँ, ये देखिए मगजमारी। चलिए इनका मेन्यू दिखाता हूँ आपको। लाहौर और अमृतसर से प्रेरित हुआ इनका है ये फूड मेन्यू मगजमारी का। जी हाँ, सबसे ऊपर अनारकली रोड का मटन टिक्का, लॉरेंस रोड का तवा मगज, लाहौर का तवा चिकन, गवाल मंडी की मटन चाप, स्टेशन रोड का तवा मीट, मगजमारी, रिगल चौक का कीमा पाव और ताराजन की पनीर भुर्जी। जी हाँ, यहाँ नॉन वेज भी है और वेज भी है। तो चलिए इनका बड़े बड़े फूड टेस्ट करते हैं और उससे पहले यहाँ के ओनर से थोड़ा बहुत पूछते हैं, भाई क्या कॉन्सेप्ट है पूरा। सौरभ जी जो मगजमारी की करता रहता है हमारे साथ है। सौरभ जी स्वागत है, स्पेशली थैंक यू आप इस हमारे शूट के लिए अमृतसर से आए, थैंक यू सो मच। अब ये बताइए मगजमारी है क्या? सर ये कंसेप्ट जो अमृतसर फूड है और उसके साथ जो लाहौर का टच है बिकॉज दे आर नेबर्स, ये उन दोनों की कॉम्बिनेशन की डिशेज हैं। यहाँ पे वी हैव ब्रेन करी, मटन टिक्का, तवा चिकन, बन वेज, तो ये सारा अमृतसर सा स्टाफ सारा अमृतसर का है और सारे इंग्रेडिएंट्स अमृतसर के हैं। तो पहले हमने यहाँ पे ट्रायल्स किए आके, तो हमें वो वाली चीज़ बनी नहीं। फिर हमने सोचा अमृतसर से पानी मंगाते हैं, फिर हमने अमृतसर पानी मंगवाया हमने, तो हमारा हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे पानी आता है, उसके बाद वो टेस्ट बन गया। वाह सही बात है, कई बार हमें भी सुनने को ये मिलता है कि यार वो अमृतसर वाला टेस्ट नहीं है। सर लोग दिल्ली से अमृतसर आते हैं खाना खाने, तो आई थॉट की तरह हम अमृतसर से दिल्ली आके क्यों खिलाते हैं। ठीक है, और ये आउटलेट्स के टाइमिंग्स क्या हैं? सर ये टाइमिंग अभी तो इसके 5 o'clock से शुरू हो जाता है, लेकिन स्लोली विल इंक्रीज फ्रॉम आफ्टरनून। और कोई होम डिलीवरी वगैरह? हां, Zomato पे भी और ऑनलाइन, Zomato और एंड स्विगी, स्विगी पे भी या सेम प्रोसेस। या ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे बारे में। ये मटन चाप बनती हुई देसी घी में, और ये हमारे लिए कीमा बन बनते हुए कीमा डाल दिया गया है तवे के ऊपर, देसी घी यूज़ किया गया है, ये गया अदरक, हरी मिर्चें और है गया देसी घी, और इसको बढ़िया से तवे पे तैयार कर लिया जाएगा। और बहुत ही प्यारी महक आनी शुरू होगी इस वक्त, बहुत ही प्यारी, मज़ा आ गया।
और ये गई इनकी ग्रेवी। और ये देखिए बन के अंदर कीमे की स्टफिंग कर दी गई है और प्याज और चटनी के साथ इसको सजा दिया गया है। थोड़ा सा धनिया। वाह, लीजिए फूड हमारे टेबल पे सर्व हो गया। और इनकी प्रेजेंटेशन देखिए, छोटी छोटी मंजियां और मंजियों के ऊपर ये चांप और कीमा बन। और आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे बीच में हैं हमारे मेहमान दितेश आनंद जी। तो दितेश जी हमारे व्यूअर हैं। अब अगर आपको याद हो, हमने एक गिव अवे किया था कि जो जीतेगा उसको मैं अपने साथ डिनर पे इनवाइट करूंगा, तो दितेश जी वही हैं। और जो हमारे दूसरा उसके बाद गिव अवे था उनको हमने एम्बियंस मॉल का फूड का हमने एक कूपन दिया था। दितेश जी थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। होप हम आपको ज़्यादा यहाँ बोर नहीं कर रहे। नथिंग, नॉट एट ऑल, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। प्लीज कैसा लगा सर? अरोमा बहुत बढ़िया है। वाह, फीलिंग बहुत बढ़िया है इसमें। वो कुछ यूनिक है, मतलब दिल्ली के अंदर ये वाली प्रेजेंटेशन नहीं देखी। यूजली लोग काट करके बीच में फिलिंग करते हैं, बट इन्होंने ऊपर से कैविटी बना करके उसमें फिल किया हुआ है। सही बात है। और महक बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी महक आ रही है। अरे मैं बोलूं, ये देखिए, ओहो वाह, दिस इज अमेजिंग। और ये देखिए कितना बढ़िया ये कीमा पकाया हुआ है, दिस इज सुपर ऑसम। और ये कुछ अलग है जो दिल्ली की रेस्टोरेंट्स में, स्ट्रीट फूड में है, वो ये चीज़ें नहीं मिलती इतनी कॉमनली। आप ये यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। वो भी है इसमें, मतलब एक्चुअल मटर का कीमा ही है। यूजुअली सोया वगैरह का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। मिक्सिंग नहीं है, सोया के अंदर फैट डाल करके सब रेडी हो जाता है। तो अब आ गई है चांप की बारी, तो लीजिए सर चांप, इंजॉय करिए। थैंक यू। और हमें बताइए कैसा है इसका टेस्ट। मटन खाने का मजा तो सिर्फ हाथ से ही है, चम्मच। ये तो बात सही बात है, मस्त तो वही है। और स्पेशल जो चटनी इन्होंने डाली है ना, ये अनारदाना इसमें है जो कि हमारे पंजाब के अंदर बहुत यूनिक है। उसके अंदर अनारदाना जरूरी है। यूजुअली यहाँ पे आमचूर की चटनी वगैरह बनाते वो डालते, बट ये अनारदाने का टेस्ट रियली आ रहा है। सही बात है। और इतना बढ़िया रिव्यू दे रहे हैं सर, और ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। यस, लाइव है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। ये मैं ट्राई करता हूँ चटनी के साथ। और जूसी है, जूसी है ये। और ये अब तवे पे गया देसी घी, और अब इस पे बन रहा है मगज। जी हाँ, आउटलेट का नाम ही मगज मारी है, तो यहाँ का मगज तो स्पेशल होने वाला है। हरी मिर्चे भर के और अदरक। ये गया जी इनका प्याज की पेस्ट। और ये देखिए मगज कितना नीट एंड क्लीन पीस है। ये प्रिपरेशन मैंने ऐसी पहले काफ़ी मगज वीडियोस बनाए हैं, ऐसी प्रिपरेशन ये तो स्टार्टिंग से बिल्कुल डिफरेंट है जो अभी तक बनाया। वाह, और जो ये तवे पे टक टक की आवाज़ आ रही है ना,
ये वाली, ये वैसे ही भूख भड़का देती है। वाह, शर की आवाज़ें देखिए तवे से, बहुत भूख एकदम भड़क चुकी है। मटन टिक्का हमारा तैयार है, मगज की तैयारी है। देसी घी की एकदम बहुत प्यारी महक आनी शुरू हो गई है कि पता लग रहा है कि देसी घी में बना है। और इसमें क्या जाएगा भैया, अभी कुछ और भी ऐड करोगे? वाह, खुशबू आनी शुरू हो गई है बहुत प्यारी। ग्रेवी जाएगा, बस ये पक जाए फिर ग्रेवी जाएगा। पक गई है जी, अब गई जी ग्रेवी। अच्छा, ये जो ग्रेवी तैयार की है इसमें क्या क्या है? अच्छा, मटन की ग्रेवी है। क्या टमाटर की बनी होती है या क्या है? टमाटर प्याज की, टमाटर प्याज की ग्रेवी है जी। तो अब बस इसको थिक ग्रेवी जैसे सर्व किया जाएगा, अच्छे से ग्रेवी पक जाए। और ये देखिए, वाह, लुक जस्ट लुक, कितना शानदार लग रहा है ये मगज। और ये ऑलमोस्ट तैयार है। तो अब ये ढक दिया गया है, इसका क्या फायदा होता है भैया? ये सॉफ्ट हो जाता है, इससे और सॉफ्ट हो जाता है। वाह, तो लीजिए तवा आइटम हमारे टेबल पे सर्व हो गए। और ये देखिए मटन, तवा मटन, और इसके बराबर में ये हमने आपको प्रिपरेशन दिखाई थी मगज की, ये मगज है। और मगज साथ में सर्व हुए हैं ये हमारे को कुलचे, और ये है पराठा। तो सबसे पहले मगज देखते हैं इनका। ये देखिए हरी मिर्चें, साथ में मैंने कुलचा, और ये है। वाह, टिक्का खाया सर आपने, कैसा लगा? मैं भी देखूं। बहुत जूसी है, बिल्कुल लाइट स्पाइसी है। और जो इनके मेन्यू में लिखा हुआ ना, अमृतसर के लॉरेंस रोड, आई बीन टू अमृतसर लॉट ऑफ टाइम, एक्चुअली में वो टेस्ट है इनके पास। लॉरेंस रोड जो है, यस इट्स अ फूड हब, वहाँ आप छज्जू के टिक्के लेंगे, आगे आप चले जाएं बंसल स्वीट्स है, फिर आगे पूरी की एक शॉप है, तो पूरा फूड हब है। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्ट अच्छा है। और जो पराठा है, बेस्ट पार्ट ये पराठा जो है ना, ये तवे पे बनाया हुआ है यार। सही बात है, तंदूरी नहीं है, तंदूरी नहीं है, तंदूरी नहीं है, तवे पे है प्रॉपर, जैसे हम लोग घर पे लच्छा पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे। और उसका टेस्ट काफी एनहांस हो रहा है इस चीज़ से। बहुत बढ़िया। तो मैं टिक्का देखता हूँ, टिक्के की मैंने बहुत तारीफ सुन ली है। बिल्कुल सही बात है।
अभी इन सर्दियों में मैंने बहुत सारे टिक्के कवर किए हैं मटन टिक्के, और ये अभी तक का सबसे क्लोज, जो अमृतसर का बिल्कुल क्लोज होता है ना टेस्ट, सबसे ज्यादा क्लोज। हल्के से माइल्ड मसाले, मिर्च है, मिर्च का बहुत बढ़िया फ्लेवर आया, बहुत बढ़िया। और क्या चीज़ है ये, दिस इज, मतलब मैं कहूँगा अगर आप यहाँ आते हैं, बाकी कोई चीज़ खाएं ना खाएं, अगर एक चीज़ खानी है तो आपको इनका मटन टिक्का ज़रूर ट्राई करना है, बहुत टेस्ट। और जो जिंजर के जूलियंस हैं, टेस्ट इसको बहुत इनहेंस कर रहे हैं, रियली गुड। हरी मिर्च, अदरक, प्याज और देसी घी, और ये बन रहा है हमारे लिए मुर्गा। और ये गया रोस्टेड तंदूरी चिकन तवे के ऊपर, और ये गई इनकी ग्रेवी, जो ग्रेवी बनाई हुई है इन्होंने। और अब इसको बढ़िया से तवा के ऊपर पकाया जाएगा, और ये ढक दिया गया थोड़ी देर के लिए। और देखते हैं कितना हो गया है तैयार, थोड़ा सा टाइम और लगेगा ग्रेवी तैयार होते हुए। ये ढक दिया गया, वाह। तो लीजिए, पेश है इनका तवा चिकन, और प्रिपरेशन हमने आपको दिखाई, और ये थिक ग्रेवी में बना है। तो ये मैं लेग पीस लेता हूँ बढ़िया सा, देखिए कितनी महक प्यारी है इसकी, बहुत बढ़िया थिक ग्रेवी बिल्कुल। चलिए इसका टेस्ट देखते हैं, अभी तक के दिल्ली में मैंने जितने भी तवा चिकन खाए हैं उससे बिल्कुल हटके माइल्ड मसाले हैं, और ये नहीं है कि जो तंदूरी चिकन के ऊपर मैरिनेशन की हुई है वो कहीं ओवर पावर कर रही है, या ग्रेवी ऐसी है जिसकी वजह से इसका टेस्ट नहीं आ रहा। बहुत ही, जिसे कहते हैं कि ज़ुबान पे रखते ही दिल को खुशी मिल जाए कि कोई अच्छी चीज़ खाई है, वैसा ये तवा चिकन है ना। जो इसमें प्याज है और जो टेक्सचर है इसका, ही देखिए जो प्याज आ रहा है, रियली मतलब वेस्ट दिल्ली के अंदर हमने कहीं पे नहीं देखा। ग्रेवी को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर पीस के ही तैयार करके वो देते हैं, बट एक्चुअली ये जो प्रिपरेशन है बिल्कुल रॉ, बिल्कुल देसी तरीके से बनाई है, देसी तरीके, और ऐसा टेस्ट मिलता नहीं है। आप अगर आप बाहर खाने जाओ ये चीज़ मिलती ही नहीं है, बिल्कुल अलग बनाया। और मैंने इनको प्रिपरेशन भी दिखाई है वीडियो में, बेस्ट टेस्ट कि अपने हाथ से खाओ, ये चश्मा चुम्मच सब साइड में, बेस्ट टेस्ट हाथ से, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, रियली गुड। This is heaven। जी हाँ, यहाँ पे
तवा आइटम्स जितनी भी हैं कोई भी मिस करने वाली नहीं है। अपनी पसंद के हिसाब से अगर आप चिकन पसंद करते हैं तो चिकन वाली खाइए, मटन पसंद करते हैं तो मटन वाली खाइए, लेकिन ये जगह मिस करने वाली नहीं है। और मैं सिर्फ इसलिए खुश हूँ क्योंकि ये जगह मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे भी नहीं है, तो मुझे एक बहुत लाजवाब जगह मिल गई है। अगली बार मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आने वाला हूँ, आप भी आइए, इंजॉय करिए। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।